क्यों छोड़े आप यार, आज जेएनके में ज्वाइन, क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी जो है ना, सिर्फ राजू पुजार ने नहीं छोड़ा है, बीजेपी जो है अब पल पल के जितने जो हमारे झारखंड के जो मतदाता है ना, सभी बीजेपी को छोड़ने वाले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक विकल्प हम लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी आ गए हैं, जयराम दादा जो झारखंड में जो है वो जो काम जिस तरह का कर रहे हैं और करने वाले हैं, लोगों का उम्मीद बढ़ चुका है, इसलिए जो है जयराम दादा की तरफ सभी का जो है आकर्षित हो रहे हैं, और उनका काम देखकर मैं भी जो है आज जेएलकेएम का जो है योगदान लिया अपना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। आपके साथ कितना युवा आए आपके साथ? देखिए देख सकते हैं, अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि अभी जो है ये ट्रेलर इसलिए क्योंकि अभी तो आदर्श आचार संहिता चल रहा है, जिसके चलते सिर्फ ये ट्रेलर दिखाने का मौका मिला, और आने वाला समय में हजारों की संख्या में आएंगे। देखिए जो हमारे झारखंड के हित में बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के भाई दादा और हमारे यहाँ के युवा साथियों की बात कर रहे हैं, उनके साथ राजू पुजार है, और उनके साथ जो है हमारे यहाँ के जो विधानसभा के पूरे जनता है उनके साथ, क्योंकि उनके काम देख रहे हैं, उनकी जो सोच है, जो भावना है, उससे लोग जो है काफी जो है उत्साहित है, इसलिए हम लोग जेएलकेएम के पार्टी में हम लोग योगदान दिए हैं। अच्छा, पिछले कई कितना साल से आप बीजेपी में थे? भारतीय जनता पार्टी में जब से पैदा लिए तब से हम भारतीय जनता पार्टी में थे। बीजेपी छोड़कर जेएलकेएम यानी कि आपका पार्टी में जुड़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ, राजू पुजार जी का मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उसको मैं अपना पार्टी में उनको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये जेएमएम पार्टी और बीजेपी पार्टी, ये दो पार्टी क्या किया है, सिर्फ लूटने का काम किया है झारखंड में। आप जानते हैं कि 23-24 साल हो गया, इस 23-24 साल में जेएमएम की सरकार भी बनी, बीजेपी की सरकार भी बनी, और यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया। आज जितना बहालियां हो रही है झारखंड में, सब में आजकल भ्रष्टाचार है। आज सीजीएल का एग्जाम ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कितने हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सबसे पहले हम लोग जेएलकेएम पार्टी के नेता लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, जिसमें हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जी, मनोज यादव जी, दादा जयराम महतो जी, क्या बीजेपी पार्टी के बेटा लोग का एग्जाम नहीं लिखा था? लिखा था। जेएमएम पार्टी का बच्चा लोग का एग्जाम नहीं लिखा था? लिखा था। आईसू पार्टी के क्या बच्चा लोग एग्जाम नहीं लिखा था? लिखा था। लेकिन किसी पार्टी के नेता नहीं प्रोटेस्ट में नहीं आया, कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया। सबसे पहले कोई भाग लिया है तो टाइगर जयराम महतो भाग लिया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। खुशी एकदम हो रही है, क्योंकि अब आदमी लोग जाग चुका है, हक और अधिकार को अपना समझ रहा है आदमी लोग, अब देख रहा है कि जेएमएम पार्टी भी खाली लूट खसोट का बात करती है, आज वो जल जंगल जमीन की बात करती है, तो जल जंगल जमीन का सबसे ज्यादा अगर दोहन हुआ है तो वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। आज यहाँ जो इतने लोग बेरोजगार लोग जो है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का इन्होंने बात किया था, लेकिन क्या 5 लाख लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। आज बेरोजगारी भत्ता का बात हुआ था, क्या बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला। लेकिन आप ये महिला सम्मान योजना निकाले हैं, अरे महिला सम्मान योजना सिर्फ 1000 रुपया दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इससे क्या आप राज्य का उत्थान कर सकेंगे? क्या उसका विकास हो पाएगा? आप सबसे पहले उनको नौकरी दीजिए ना भाई, आप रोजगार दीजिए। खाली यार 10 किलो चावल बांटने से, और एक अभी तो 2500 टका एक्साइट किया है महिला सम्मान योजना, है ना, 2100 से 2500 टका किया गया है, तो खाली 2500 टका देने से क्या ये महिलाओं का उत्थान होगा? नहीं होगा। हम लोग को हक और अधिकार चाहिए। सबसे बड़ा हक है कि यहाँ का जो लड़का लोग जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, इसको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और हमारा क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, हमारे नौकरियों को बेचा जा रहा है। अदर जिला के लोग, अदर राज्य के लोग, जैसे यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ के लड़का लड़के लोग क्या करता है, वो आवेदन करते हैं और यहाँ नौकरी ले रहे हैं, तो यहाँ का शिक्षित बेरोजगार लोग कहाँ जाएगा? वो तो बेकार हो जाएगा। दादा आप बताएं कि जैसे कि दुमका जिला एक विधानसभा है,
उनका एक विधानसभा शिकायत पड़ा, एक विधानसभा जमा, एक विधानसभा, लेकिन आप लोग का प्रत्याशी यहाँ क्यों नहीं, आप लोग एक हैं अभी तक? प्रत्याशी कैसे नहीं दिए? हम लोगों ने दुमका जिला से 4 विधानसभा से हमने टिकट दिया है और सूची अभी जारी हो रहा है, क्योंकि तीसरा सूची अभी जारी हो चुका है। तीसरा सूची में 28 प्रत्याशी का नाम जारी किया गया है। अभी धीरे धीरे सूची जारी हो जाएगा, आप लोगों को पता हो जाएगा, जैसे जैसे देखते जाइए पता हो जाएगा। जेएलकेएम पार्टी जो है ये हक और अधिकार की बात करती है, खतियान की बात करती है, नियोजन नीति की बात करती है, विस्थापन नीति की बात करती है। और आज नारी के साथ आज सुरक्षित नहीं है, आज लड़की लोग खुलेआम रात के टाइम में घूम नहीं पाती है कि कहीं उसके साथ कोई गलत ना हो जाए। तो क्या हेमंत सरकार को हम लोग किस विश्वास के साथ हम लोग जिताए थे? यही विश्वास के साथ ना जिताए थे जी कि आप झारखंड का पूरा विकास होना चाहिए थे, होना चाहिए था। लेकिन क्या बोले कि हम 5 महीना हम जेल में थे। अरे आप जेल में थे 5 महीना, तो आपको क्यों जेल में घुसाया गया था? ईडी आपको पकड़ के ले गया, चूंकि जमीन मामला का ही था, उसीलिए ईडी आपको पकड़ के अंदर किया था। लेकिन आप बोलते हैं कि अगर हमको 5 महीना समय और मिलता तो हम बहुत सारा काम कर देते। लेकिन अभी आपका कार्यकाल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की नीति और सिद्धांत को लोग समझ चुकी है, आप इसके बहकावे में लोग आने वाले नहीं है। अब की बार टाइगर जयराम मतो, अब की बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा।